आपको बता दें कि सरायबिका गांव में बछड़ी पालन के लिए खोदे गए तालाब में नागपंचमी के पर्व पर महिलाएं और युवतियों ने कपड़े की बनी गुड़िया को डुबाने लिए गई थी। गुड़िया डुबाने के बाद महिलाएं और युवतियों पर वापस चली गई, घर वापस चली गई। बच्चे तालाब में पड़ी गुड़िया को डंडे से पीटने लगे, तभी आयुष गहरे पानी में चले गए और डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में सत्यम भी गहरे पानी में चले गया और दोनों डूबने लगे। दोनों को डूबता देख तालाब किनारे खड़ा अभिषेक दोनों को बचाने के लिए तालाब में कूद गया। तालाब की गहराई ज़्यादा होने से तीनों बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने तीनों को तालाब से बाहर निकाल करके मछलीघर स्थित एक निजी अस्पताल रेफर किया, जहाँ चिकित्सक ने तीनों की मौत की पुष्टि कर दी। घटना के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिए। ग्राम पृथ्वीगंज सरायबिका थाना पवारा जनपद जौनपुर अंतर्गत श्री शिवशंकर सरोज व नंदलाल सरोज का गांव के निकट एक निजी तालाब है। आज दिनांक 21/8/2023 को नागपंचमी के अवसर पर समय करीब 10 बजे गांव के ही तीन बच्चे सत्यम सरोज पुत्र संजय सरोज उम्र 10 वर्ष व आयुष सरोज पुत्र रंजीत सरोज उम्र 10 वर्ष अभिषेक सरोज पुत्र पप्पू सरोज उम्र 15 वर्ष तालाब में गुड़िया नहलाने के लिए गए थे। तालाब की अत्यधिक गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों बच्चे अंदर पानी में चले गए और पानी में डूब गए। जानकारी होने पर गांववासियों ने उनको बाहर निकाला एवं उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए, जहां पर तीनों बच्चों को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक बच्चों के परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।